नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जिले हर पल को। मैं शिव कुमार प्रजापति आज लाऊंगा एक्साइटिंग वीडियो संगमेश्वर मंदिर के बारे में, जो सासवड में है और पुणे स्टेशन से लगभग 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और 1 घंटे का समय लगता है यहाँ तक पहुँचने के लिए। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on. संगमेश्वर मंदिर जो है वो प्राचीन मंदिर है, वो दो नदियों के बीच में बना है, एक है कारा नदी और दूसरा है चांबोली नदी। थोड़ी देर में आपको मैं मंदिर के अंदर लेके जाऊंगा और मंदिर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूं, तो स्टे ट्यून विद माय वीडियो। संगमेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। सामने सड़क किनारे पुल से मंदिर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। मंदिर और उसके आसपास का परिसर प्री वेडिंग शूट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगर आप प्रोफेशनल कैमरा यूज करते हो तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। काले पत्थर से निर्मित मंदिर की संरचना नक्काशीदार प्रतीत होती है। खास बात यह है कि यह मंदिर नदी के संगम पर बना है और इसकी नींव पानी से घिरे होने के बावजूद भी उतनी ही मजबूती से खड़ी है। मंदिर सुबह 7 बजे खुलता है और शाम के 7 बजे बंद हो जाता है। मंदिर के पास गाड़ी पार्क करने के लिए भी काफ़ी जगह है, जहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। मंदिर तक पहुँचने के लिए चामली या भोगवती नदी पर एक लोहे का पुल का निर्माण किया गया है। मानसून सीजन के दौरान दोनों नदियां ऊपर तक भर जाती हैं और यह दृश्य बहुत ही शानदार दिखता है। श्री संगमेश्वर मंदिर सुधार समिति सासवड के देखरेख में मंदिर का रेनोवेशन का काम चालू है। संगमेश्वर मंदिर का निर्माण 10वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। उत्तरी यादव काल की एक सुंदर वास्तुकला है। हालांकि इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि मंदिर का निर्माण किसने और किस काल में किया था। हेमतपंथी वास्तुकला का प्रतीक मंदिर प्राचीन शिल्प और पत्थर की नक्काशी से घिरा हुआ है, इसलिए मंदिर के खम्भे और गुबन बहुत ही आकर्षक लगते हैं। हाल ही में मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। मंदिर का मंडप जो है वो पत्थर के 30 खंभों पर टिका है और इसके दोनों ओर दीपमाला है। मंदिर परिसर में तुलसी वृंदावन की बनावट निराली है। इस तुलसी वृंदावन में तुलसा शिवलिंग के ऊपर, मध्य में और आधा नीचे है। तुलसी पर चढ़ाए गए जल बीच में महादेव की पिंडी पर गिरता है। पुल को पार करने के बाद मंदिर तक जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां हैं। इसकी चढ़ाई जो है थोड़ी खड़ी है।
जैसे ही आप सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आते हो तो आपको एक नंदी दिखाई देता है जो मंडप के बाहर है। जो मंडप के बाहर है वो नंदी प्राचीन है और खंडित है। मंडप के अंदर भी और एक नंदी है जो बड़ा है और पेंट किया गया है। मंडप की दीवारों पर भगवान गणेश जी और भगवान हनुमान जी की मूर्ति उकेरी गई है। गर्भगृह के ठीक बाहर आपको एक पत्थर का कछुआ दिखाई देगा। गर्भगृह में आप सुंदर शिवलिंग देख सकते हो। मंदिर के दक्षिण में घाट और करा तीर है। इस तट पर खड़केश्वर और सती मंदिर है। यह दुख की बात है कि मंदिर बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात है और शिवरात्रि और श्रावण के महीने के दौरान स्थानीय लोगों के अलावा शायद ही कोई यहाँ आता है। उत्तर में चामली के तट पर भगवान महादेव का मंदिर है। दोस्तों, इस मंदिर पर जरूर विजिट कीजिए, ये बहुत ही अच्छे लोकेशन पर है और भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए ये बहुत ही शांत जगह है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।